मानसून 2021 लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात करें मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट की। क्या बड़ा अपडेट है मानसून, उत्तरी मानसून को लेकर, चलिए जान लेते हैं। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं, वहां जिस अपडेट रहे आप देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट। फिलहाल चलते हैं मानसून के अपडेट की ओर। दोस्तों आने वाले दिनों में मौसम विभाग द्वारा बताया गया है कि मानसून गतिविधियां पूरे मध्य भारत पर बढ़ने की उम्मीद है, जिसे प्री मानसूनी गतिविधियां कहते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा और गरज के साथ छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ और मराठवाड़ा के अलग अलग हिस्सों में बारिश हुई है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के निकटवर्ती भागों में है और एक निम्न दबाव का रेखा इस चक्रवाती हवा के क्षेत्र से विदर्भ तक जा रही है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से आर्द्र हवाएं देश के मध्य भागों में भी नमी बढ़ा रही है। छत्तीसगढ़ पूर्वी और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बारिश हो सकती है। एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है। हल्की बारिश गतिविधियां मध्य महाराष्ट्र के कुछ भागों में भी प्रभावित हो सकती है। यहीं प्री मानसून की बात करें तो प्री मानसूनी बारिश के 11 अप्रैल तक जारी रहने की उम्मीद है। इसके बाद 12 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच बारिश में कमी आएगी। 14 अप्रैल से एक बार फिर बारिश गतिविधियां बढ़ सकती है। प्री मानसून की बारिश आमतौर पर दोपहर या शाम के दौरान होती है। तापमान में वृद्धि के कारण गरजने वाले बादल बनते हैं, जो हवा के साथ साथ गरज और तेज बारिश देते हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी भागों का मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा, परंतु यहां भी एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। कम से कम अगले एक सप्ताह तक मध्य भारत में मानसून की गतिविधियों के कारण हीट वेव अनुपस्थित रहने की उम्मीद है। यानी कि दोस्तों फिलहाल मध्य भारत में, छत्तीसगढ़ में इन क्षेत्रों में प्री मानसूनी बारिश शुरू होने वाली है। और लेटेस्ट अपडेट था प्री मानसून को लेकर। जैसे ही मानसून का लेटेस्ट अपडेट आएगा हम आपको सूचना करेंगे। वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोग जान सके लेटेस्ट अपडेट को, और ऐसा देश की सभी कैटेगरी खबरों से।